अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी लेकर आए हैं। ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ आज हम बना रहे हैं। उसके लिए हमने 4 अदद आलू लिए हैं जिन्हें हमने पील ऑफ कर लिया है। अब हम इन्हें कट करेंगे। आलू को कट करके हमने साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इसमें से स्टार्च जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इसी दौरान हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। फ्राइज़ को स्टेन करने के बाद हमने इसमें से ठंडा पानी ऊपर से डाला है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे डिप करने के लिए। अब हमने 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक को मिक्स करने के बाद अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि नमक इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब हम फ्राइज़ के लिए एक सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हमने पैन को लो फ्लेम पर रखा है। इसमें हमने बटर लिया है 1 टीस्पून। बटर हमने 1 टेबलस्पून लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें मैदा लेंगे, ये है 1/2 टीस्पून। चिली पाउडर हमने लिया है, ये 1/4 टीस्पून है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। दूध मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट सॉस कुक करने के बाद ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 1 स्लाइस चेडर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी हम 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। सॉस थिक हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। हम साथ ही मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से कुक करने के बाद अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चीज सॉस बनके तैयार है। अब हम इसे करेंगे साइड पे। अब हम अपने फ्राइज तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से पानी को निकाल लेंगे। पानी अच्छे तरह से निकालने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्राइज को कोट करने के बाद अब हम इन्हें करेंगे साइड पे। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं, इन्हें हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब हम इन्हें करेंगे साइड पे। ये हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब हम फ्रेंच फ्राइज लेंगे। इन्हें हम सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इन पे ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल के रख लेंगे। बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तमाम फ्राइज को हमने तैयार करके रख लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे।
पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हैं, अब हम इन्हें चीज़ सॉस के साथ सर्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर।